हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रही है या फिर कुछ और मैसेज इशू हो रहा है, जैसे कि विंडो कैन नॉट फॉर्मेट दिस ड्राइव, अगर आप अपने कंप्यूटर से ट्राई करते हैं तो वो बिल्कुल फॉर्मेट नहीं हो रही है, तो उसको कैसे आप आसानी से कंप्यूटर से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, मैं आपको दो तरीके बता दूंगा, इसमें दो तरीके दोनों जुड़े हुए हैं, वो दोनों बताऊँगा और आसानी से आप अपने पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं और वो चलने लगेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपनी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप सबसे पहले मेथड से आप अपने मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो कि फॉर्मेट नहीं हो रही है। आपके पास कुछ भी हो, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, दोनों फॉर्मेट हो सकती है। तो मैं किसी भी तरीके से, हर पॉसिबिलिटी से इसे फॉर्मेट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको दो तरीके क्या अपनाने हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं हो रही है, विंडो कैन नॉट फॉर्मेट दिस ड्राइव। तो हम इसको ओके कर देंगे। और सबसे पहले आपको जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, वो आपको कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। जैसे ही आप मैनेज में जाएंगे, मैनेज के लिए एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी, उसके अंदर आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है, आप जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के साथ मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा खुलने में टाइम भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये खुल चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट खोल लेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर सारी ड्राइव या फिर आपके पास पेन ड्राइव वगैरह जो भी यहाँ पर कनेक्ट है, सब यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी ड्राइव है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके देखेंगे। अगर ये फॉर्मेट हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन एक मैसेज आ जाएगा कि ये फॉर्मेट हो चुकी है। अगर नहीं होती है तो आपके पास यस या नो के लिए एक ऑप्शन आएगा जो कि अभी आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसके लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लगा देता है, ज्यादा भी टाइम नहीं लगा था। सबसे पहले आप इसी तरीके से इसको फॉर्मेट करके देखेंगे, अगर इस तरीके से हो जाता है तो आपकी पेन ड्राइव बिल्कुल ठीक हो जाएगी या फिर मेमोरी कार्ड आपकी ठीक हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं होती है तो उसके बाद जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आप ये यहाँ से भी फॉर्मेट नहीं हो रही है। तो आप इसको सिंपल नो कर दीजिए। और आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड का विंडो प्लस आर की दबाना है और उसमें टाइप कर देना है CMD। अब हम इसको कमांड से फॉर्मेट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं हुई है अभी तक। और यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, इसमें स्पेस नहीं देना है, डिस्क पार्ट जैसा कि जैसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यस कर देना है। आपके पास एक और विंडो खुल के आएगी यहाँ पर और आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट डिस्क। ये दो कमांड है यहाँ पर, जैसे ही आप ये चल जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सिस्टम में जितनी भी ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट होंगी वो यहाँ पर सारी शो होने लगेंगी। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट ड्राइव जो है वो है ये वाली ड्राइव जो कि है 2 GB की, यहाँ पर दिखा रहा है 1914 MB। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट डिस्क डिस्क वन। तो हमारी फर्स्ट डिस्क है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरी कमांड गलत हुई है, यहाँ पर आप कमांड गलत मत डालिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी। तो यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क वन जैसे ही कर देंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट डिस्क वन। मैं आपको फिर भी एक बार और करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ठीक है, डिस्क पार्ट में दोबारा चलाऊंगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क पार्ट यहाँ पर चल गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर की कमांड होती है जो डिस्क पार्ट लेकर। फिर यहाँ पर लिस्ट डिस्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट की स्पेलिंग ठीक है, सेलेक्ट डिस्क वन। ठीक है, वही ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क वन इज नाउ सेलेक्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्लीन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लीन लिख देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर यानी चेंजेस हुए हैं, तो यानी हमारी ये ड्राइव यानी फॉर्मेट होने लायक बन चुकी है। ये तीनों आपको विंडो आप खोल के रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट नहीं हुई है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वापस यहीं पर इसी को, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर से राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में आना है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा न्यू वॉल्यूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही ये हो जाती है, न्यू वॉल्यूम पे जैसे ही जाएंगे, न्यू वॉल्यूम को क्रिएट करना है, नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरी ड्राइव यहाँ पर गायब हो चुकी है। उसके बाद आप
जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश मारेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये भी फॉर्मेट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने अपनी ड्राइव को रिमूव किया और वापस लगाया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट हो चुकी है और ये अब ओपन भी होने लगी है। तो अब मैं आपको यहाँ से भी इसको एक बार फॉर्मेट मार कर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट भी हो रही है आसानी से, जो कि पहले नहीं हो रही थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, देखिए कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मेमोरी कार्ड है या फिर आपकी पेन ड्राइव है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई मेमोरी कार्ड करप्ट भी हो जाता है तो उसको भी आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे सिंपली कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आया है, तो मैं आपकी कोशिश करूँगा मदद करने की। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके और भी दोस्त जान सकें कि अपनी करप्ट मेमोरी कार्ड वगैरह को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको।